भूतनाथाय भूतनाथाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भूताय भूतनाथाय ब्रह्म नमः। ये मंत्र है भगवान भूतनाथ का। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को भूतनाथ के बारे में बता देता हूँ कि भूतनाथ आखिरकार है कौन। देखिए, भूतनाथ पंचभूतों के अधिष्ठाता देवता हैं। जिस प्रकार से नवग्रहों के अधिष्ठाता देवता भगवान गृहपति हैं, उसी तरीके से पंचभूतों के अधिष्ठाता देवता भगवान भूतनाथ हैं। अब इसमें क्या होता है, इस साधना से होगा क्या, भगवान भूतनाथ आ जाएंगे? नहीं, इस साधना में आपको भगवान भूतनाथ की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर, ये पूरी पृथ्वी, ये सब कुछ पंच तत्वों से ही बना हुआ है। अग्नि, सोम, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, मनुष्य के शरीर में भी इन्हीं पंच तत्वों का वास है और हर चीज़ में यही पंच तत्व वास करते हैं। ठीक है, तो भगवान भूतनाथ की साधना से कोई व्यक्ति ये बोले कि भगवान भूतनाथ की साधना क्यों करनी चाहिए, तो तामसिक देवता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को भूतनाथ का नाम सुन करके लगता है कि ये भूत पिशाचों के स्वामी हैं, लेकिन भूतनाथ जो वाकई में जो भूतनाथ का जो अस्तित्व है, वो भगवान भूतनाथ एक द्विमुखी त्रिशूल धारण करते हैं। द्विमुखी त्रिशूल मतलब उसके दोनों तरफ त्रिशूल है और वो उसका जो दंड है वो विद्युत रूपी दंड है उसका वो, और उनके उस दंड में पंचभूतों की शक्ति समाहित है। ठीक है, तो भगवान भूतनाथ का जो कार्य है पंच तत्वों को नियंत्रण में रखना, उनको उनके ऊपर ये नियंत्रण रखना है कि कोई तत्व किसी भी प्रकार से अपनी सीमा ना लांघे। ठीक है, तो ये जो मैंने मंत्र आपको बताया, ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये साधना करनी कैसे, इस साधना से होगा क्या। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति साधना करता, अब क्योंकि ये साधना व्यक्ति को सबसे पहले करनी होती है, ठीक है, सबसे पहले आदमी को यही साधना करनी होती है, लेकिन मैं आज तक इस साधना का विधान और मंत्र नहीं जान पाया था, लेकिन अब जान गया हूँ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो होली के बाद में आपको जो 9 दिन का जो समय लगेगा इस साधना को करने के लिए, तो सबसे पहले आपको कोई भी साधना करने से पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने पंच तत्वों की शुद्धि करें। ठीक है, अपने पंच तत्वों की शुद्धि करें, और पंच तत्वों की शुद्धि के बाद भी आपको कोई साधना करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपके पंच तत्व जो हैं वो संतुलित रहे। हम लोग दिया जलाने के लिए बोलते हैं साधना में कि आप दिया जलाएं। दिया जलाने के लिए क्यों बोलते हैं, कोई क्या कारण है उसका कि हम दिया जलाने के लिए बोलते हैं? तो उसका यही कारण है कि पंच तत्व संतुलित रहें। क्योंकि देखिए, अग्नि आपके वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये चार चीज़ें आपके आसपास मौजूद होती हैं, आपके शरीर में मौजूद होती हैं। कुछ चीज़ें शरीर में होती हैं, कुछ चीज़ें बाहर मौजूद होती हैं, लेकिन एक अग्नि ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे उपस्थित नहीं होती। ठीक है, तो उस अग्नि को वहाँ पे हम उस अग्नि के साथ में समावेश बिठाने के लिए हम लोग वहाँ पे दिया जलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम कोई भी साधना करते हैं, अब मैंने ये बोला कि अग्नि बाहर रखते, इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि हमारे भीतर नहीं है। जठराग्नि जो जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे जठर में वास करती है, हमारे उदर में वास करती है वो अग्नि। ठीक है, लेकिन हम उस अग्नि को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया भर की गंदगी हमारे शरीर में वास करती है, तो उसके साथ में हम लोग पंच तत्वों के साथ में समावेश नहीं बिठा सकते। तो जो ये साधना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये साधना मैं आपको दे रहा हूँ आपके पंच तत्वों की शुद्धि के लिए। ठीक है, मंत्र आप लोगों ने सुन लिया है, मंत्र मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मंत्र बोला था, ओम ब्रह्म भूताय भूतनाथाय ब्रह्म नमः। ठीक है, ये भगवान भूतनाथ का मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र से पहली चीज़ तो आपकी जो पंच तत्व जो है, आपके जो शरीर में जो वास करने वाले जो पंच तत्व हैं वो शुद्ध होंगे, और उसके बाद आपको अपनी साधना होगा पूरा पूरा फल प्राप्त होगा, पूरा पूरा अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है, आप अपनी शक्तियों को फील कर पाएंगे, आप अपने चक्रों को फील कर पाएंगे, आप अपने आसपास रहने वाली नकारात्मक हो या सकारात्मक हो उस ऊर्जा को एहसास कर पाएंगे। ठीक है, इसका विधान मैं बता देता हूँ आप लोगों को। रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र का जाप होगा 1.25 लाख। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग एक गिनती देते हैं, मतलब एक संख्या देते हैं कि आपको इस संख्या में जाप करना है किसी मंत्र का। ठीक है, तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि 1.25 लाख जाप करिए या 50 लाख जाप करिए या 1 करोड़ जाप करिए, तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं? तो इसको बोलने का ये कारण होता है कि आप लोगों को ही संकल्प शक्ति को प्रबल किया जाए इस तरीके से, नहीं तो किसी भी साधना में संख्या का महत्व नहीं होता है। ठीक है, एक
अब एक बात बताइए ना कि कोई एक भगवान है जो हमें खुले हाथों से सब कुछ दे रहा है और एक हमें जो उसका नाम भी गिन गिन के ले रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं होती। लेकिन हमें अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन में 1.25 लाख कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 दिन में 1.25 लाख कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिन में कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 40 दिन में भी नहीं कर पाते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उनकी संकल्प शक्ति प्रबल नहीं है। इस साधना के शुरुआत में आपको पंच तत्वों को साक्षी मान करके संकल्प लेना है। भूतनाथ की साधना में आपको पंच तत्वों को शामिल करना है। पंच तत्वों में आपको संकल्प के समय ही दिया जलाना पड़ेगा और दिया जलाने के बाद में आप उनको आवाहन करिए कि मैं अपने शरीर में उपस्थित सभी पंच तत्वों को आवाहन देती हूँ या देता हूँ, ठीक है, कि वो अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के मेरी इस साधना की सफलता के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि जब तक आप बेटे का सम्मान नहीं करेंगे ना, तब तक पिता प्रसन्न नहीं होगा, ठीक है। तो पंचतत्व जो भगवान भूतनाथ के अधीन है, पहले आप उनको सम्मान से उनका आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मेरी साधना में मेरे पंचतत्व जो शरीर में मेरे वास कर रहे हैं मेरा साथ दें और मेरी साधना को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इस प्रकार से आपको पंचतत्वों को लेकर के संकल्प लेना है। अब इसमें संकल्प में आपको जली लेना है, ठीक है। बाकी पंचतत्वों के लिए आपको वहाँ पर दिया जला लेना है घी का, और पृथ्वी, वायु और आकाश वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो ये करना है आपको। इसके बाद में आपको जो मैंने मंत्र बताया, ओम ब्रह्म भूताय भूतनाथाय ब्रह्म नमः, इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है 9 दिनों के अंदर, ठीक है। हवन इसके अंदर आपको करना है घी का, ठीक है, आम की लकड़ी पे घी का हवन होगा। और इसमें आहुतियाँ जो होंगी वो 1008 आहुति होंगी इसमें, ठीक है। मंत्र की 1008 आहुतियाँ ओम ब्रह्म भूताय भूतनाथाय ब्रह्म नमः स्वाहा, इस तरीके से 1008 आहुतियाँ इसमें होंगी घी से, प्योर घी से। तो भोग इसके अंदर कुछ नहीं देना, भोग बाबा को स्वयं लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है, आपको भोग रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आपको भगवान भूतनाथ की साधना करनी है। और भूतनाथ की साधना करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी आप कोई साधना करें तो उसके लिए आपका पंचतत्व शुद्धि होना जरूरी है। जो अब इसकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं, पंचतत्व शुद्धि के लिए अलग अलग क्रियाएं होती हैं। कुछ लोग सर्वंग करते हैं, कुछ लोग उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें करते हैं, कपाल में खून डाल के पी लिया, कपाल में ये डाल के पी लिया, पंचतत्व शुद्ध हो गए घंटा, ठीक है। जब तक पंचतत्वों के तत्व को ही नहीं समझोगे तब तक कहाँ से शुद्ध हो जाएंगे। तो किसी भी तत्व की शुद्धि के लिए या किसी भी देवता के आशीर्वाद के लिए हमें साक्षात उस देवता से आह्वान करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, उनकी मदद मांगनी होती है। क्योंकि शक्ति प्रदान करने का जो कार्य है वो उसी देवता का ही है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पंच तत्वों की बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी हम लोग क्यों किसी और चीज़ के चक्कर में पड़े जब हमारे पास भूतनाथ उपस्थित हैं। तो इसके अनुभवों के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। मैंने ये साधना 2 लोगों से करवाई थी, ठीक है। अब उन दोनों साधना में उनके अनुभव अलग अलग रहे। इसमें आपको जो मैं उनके अनुभव बताता हूँ, एक अनुभव बताता हूँ आप लोगों को। तो इसके जो मुख्य अनुभव थे वो ये थे कि उनको अपने आसपास में किसी जानवर के होने की आभास हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर हमारे कान के आसपास में गा के गुर्रा रहा है। चाहे अब किसी उसमें से एक को भेड़िए की आवाज़ आ रही थी उसमें, और एक को बिल्ली की आवाज़ आ रही थी, लेकिन किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। गुर्राते हैं जैसे जानवर, आप जानते हैं सारे कैसे गुर्राते हैं, तो उस तरीके से उनकी आवाज़ आ रही थी। और ये क्यों आ रही थी? ये इसलिए आ रही थी क्योंकि हर व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वो उसका एक समरूप एक जानवर का उसके अंदर गुण होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने उन दोनों के बारे में देखना शुरू किया, उन दोनों के मैंने पीछे देखना शुरू किया, तो मेरे को उसमें से एक की जो अंतरात्मा थी उसके अंदर मेरे को भेड़िए के गुण दिखाई दिए और एक के अंदर बिल्ली के गुण दिखाई दिए। तो वो व्यक्ति इस साधना में उस व्यक्ति का वो तत्व जागृत हो जाएगा, उसे ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा जानवर जो है वो सही रहेगा, जो उसका साथ देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, इसमें आपको भूतनाथ भगवान के आभास होंगे, उनके दर्शन संभव हैं, ठीक है, काफ़ी उग्र मंत्र है ये, और इससे उनके दर्शन भी संभव हैं। लेकिन वो दर्शन परमानेंट नहीं होंगे, वो दर्शन अस्थाई रूप से होंगे, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन पूर्ण रूप से सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे आपके ऊपर, ठीक है ना। तो
अब इसमें बात करते हैं ये कि उनका क्या, अब इसमें जैसे मैं हर साधना में बोलता हूँ कि आपको मन शुद्ध रखना है नहीं तो ये साधना पलट जाएगी, लेकिन इस साधना में क्या, इस साधना में कोई ये साधना पलटेगी नहीं। इस साधना में जो होगा, अगर कोई व्यक्ति दूषित मन से ये साधना करता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से ये साधना करता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पर कि उसकी साधना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आने वाली जो साधना है वो करेगा, जो आने वाली वो साधना करेगा। अब मैंने ये बात यहाँ पे क्यों छेड़ी कि मन का शुद्ध होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मन है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, हमारे मन की कोई सीमा नहीं है, हमारा मन जो है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर आपके मन दूषित है, आपका आकाश तत्व मतलब आपका आकाश तत्व दूषित है, और आकाश तत्व अगर दूषित है और जिसे आप स्वयं से दूषित कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से उसे दूषित कर रहे हैं, तो फिर कोई वो ये साधना सफल नहीं होगी, ठीक है, विपरीत परिणाम नहीं देगी, ये कोई विपरीत परिणाम नहीं देगी, लेकिन ये साधना आपकी सफल नहीं होगी और आगे आने वाली कोई साधना फिर सफल नहीं होगी, ठीक है, आने वाली कोई भी साधना में, क्योंकि आगे होता ना कि मतलब आप अनजाने में कोई काम करें तो वो फल दे या ना दे, लेकिन अगर आप जानबूझ के कोई काम करते हैं ना, कोई गलती करते हैं जानबूझ के, तो वो भी फल देती है, और उसका जो अगर कोई अच्छा काम करते हो तो वो भी फल देता है, ठीक है। आपको आज तक भूतनाथ का विधान नहीं पता था, इसलिए आप लोगों ने साधना की तो सफल हुई चाहे ना हुई, ठीक है, लेकिन अगर ये विधान जानने के बाद भी आप लोग इस साधना को नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है। मैंने भूतनाथ से संबंधित साधनाएं देखी नेट पर कि किसी ने दी है कि नहीं दी, लेकिन किसी ने दी नहीं है, क्योंकि लोग इन चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझते। जब तक आपके तत्व ही शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आपकी कोई साधना कैसे सफल होगी, आप खुद सोच कर देखिए। तो बहकावे में मत आइए किसी के, ठीक है, कि सीधा ये साधना कर लो, काली कर लो, बगला मुखी कर लो, ऐसा वैसा हो जाएगा, घंटा होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, मंत्र ओम ब्रह्म भूताय भूतनाथाय ब्रह्म नमः, संख्या 1,25,000, दिन 9, हवन आहुति 1,008, हवन सामग्री घी और लकड़ी होगी आम की, भोग इसमें आपको नहीं लगाना है, संकल्प याद रहे कि पंच तत्वों की उपस्थिति में लेना है, दिया जला करके संकल्प लेना है, ठीक है ना, और ये पूर्ण सात्विक विधान है, इसमें असात्विक कुछ भी नहीं है, कोई तामसिक बलि नहीं है, कोई भोग नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप लोग ये साधना करें, और एक चीज़ और जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप इसमें अपने अनुभव किसी को नहीं बता सकते साधना पूरी होने तक, अपने गुरु को भी नहीं, ठीक है, आप लोग मुझे भी इसके अनुभव नहीं बताएंगे जब तक आपकी साधना पूरी ना हो जाए, क्योंकि ये साधना है आपके तत्वों तक पहुंचने की, आपके तत्वों को शुद्ध करने की, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो आप लोग इस साधना का अनुभव गुप्त रखिए जब तक कि आपको साधना ये आपकी पूरी ना हो जाए। तो बाकी फिर बात करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है जी, अभी के लिए जय श्री महाकाल, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका भला करें और दूसरों को भी खुशी से रहने दें। जय श्री महाकाल।